ऐसा कुछ भी नॉइज़ नहीं है जैसे कि सिटी में होता है, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। और ये मेन रोड हमारा तैयार हो चुका है। अब हम जो है कपड़े जमा हो गए थे जो डिक्लटर में थे, और बहुत से कपड़े मैंने और भी ऐड किए हैं, और काफ़ी ऐसे सारा मेरा क्लियर हो गया। और मैंने ये यहाँ पे काउंटर वगैरह भी सारे अच्छे से साफ कर लिया था। और जब किचन क्लियर वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इंशाल्लाह खैर आफियत से होंगे अपने अपने घरों में। तो जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ठीक है? उसके बिना आगे तो जाइएगा ही नहीं। तो जी, आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। नथिंग सो मच स्पेशल इन दिस वीडियो, बट या के रेगुलर रूटीन है, न्यू हाउस तो न्यू वे। तो लेट्स सी के आज क्या क्या मेरे पास जो है काम करने को हैं और क्या क्या मुझे करना है। और मिकू साहब के साथ तो आप जानते ही हैं, ये देखें अपने वाटर बॉटल का सारा पानी ऐसे ही खाली कर देता है, भर के मैं रखती हूँ और उसके हाथ में अगर पहुँच जाए तो बस इतना हो जाता है। तो जी चलें चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ हमारे घर के बाहर जो है वो कुछ ऐसा व्यू आता है। ये तो विंडो के अंदर है, लेट मी शो यू आउटसाइड। तो जी लॉक को हम ओपन कर दे, अच्छा मैंने लॉक कर दिया। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, आप बाहर निकल ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप। और ये धूप रहती है 4-5 बजे तक। हमारा कारपेट उधर जो है वो धोकर लगा हुआ है, 3-4 दिन हो गए, अभी तक अंदर ही नहीं लाए हम। मिकाइल के स्विंग के ऊपर लगाया हुआ है। और यहाँ पर एक बड़ा सा ट्री है जो कि काफ़ी हवादार है, उसके नीचे ही गाड़ियाँ पार्क कर दी जाती हैं। और यहाँ पर भी जो है ट्रीज़ वगैरह हैं, आप देख सकते हैं माहौल काफ़ी पीसफुल और पुरसकून सा है। यहाँ पर कोई शोर शराबा ऐसा कुछ भी नॉइज़ नहीं है जैसे कि सिटी में होता है, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। और ये मेन रोड हमारा तैयार हो चुका है, अब हम जो यहीं से आना जाना करते हैं। पहले हमें पूरा घूम के आना पड़ता था उधर से, लेकिन अब यहीं से है ही डायरेक्ट आने जाना का रास्ता बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी मिकाई यहाँ पर फिर अपनी शरारतियाँ कंटिन्यू करते हुए, मैं चीज़ें सेट करती जाती हूँ और मिकाइल उसे ऐसे ऐसे बिगाड़ता जाता है। मैंने बेडशीट अच्छे से सेट किया, हर चीज़ें अपनी जगहों पे रखी, नहीं लेकिन मिकाइल साहब को तो अच्छा ही नहीं लगता ना, क्या करें। और जी किचन का भी काम सारा बिखरा हुआ है, अभी भी मेरे हस्बैंड गए हैं थोड़ी देर पहले खाना वाना खा कर, तो बर्तन कुछ निकले हुए हैं उनको भी धोना है। ये कुछ बर्तन निकले हुए हैं और मैंने जो कुछ धो कर रखे थे उनको यहाँ पर ड्राई करने रखा था, तो हो गया, उनको भी उठाना है। किचन का एरिया थोड़ा क्लीन करना है सब कुछ। मिकाइल मेरे पीछे हर जगह पहुँच जाता है। लिविंग रूम जो है अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा है कैसा सेट करें। बस सोफ़ा वोफ़ा लिया था, लेकिन वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया जैसे काफ़ी बड़ा हो गया, अब हमारा लिविंग रूम जो है वो इन्हीं सोफ़ों से कवर हो रहा है। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसमें से एक हम रख दें सोफ़ा और एक जो है वो सेल कर दें, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है, यूज़लेस हो गया है। तो ये पीस जो है वो हम रखेंगे। आई होप यू कैन सी बिकॉज़ मैंने लाइट ऑफ किया हुआ है। अभी दीवारों पे हमने कोई कीले वीले नहीं ठोकी हैं, आप देख सकते हैं कि दीवार इज़ नीट एंड क्लीन एवरीवेयर। तो इसलिए क्लॉक भी अभी फ़िलहाल वहाँ रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये कुछ ये बॉक्सेस हैं डेकोरेशन पीसेस की, कुछ ये बॉक्सेस हैं जो कि ऐसे करके दीवार पे लगेंगी और इसके अंदर डेकोरेशन के सामान आएंगे। तो ये मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था, तो ये वी बॉट दिस। इसके 6 सेट्स हैं जो कि 3 वहाँ पर भी फ़िलहाल रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े रात में धोकर टंगाने रखे थे सुखाने के लिए। इट्स ऑलमोस्ट ड्राई, बट बस ये जो है हल्का सा हवा के अंदर रख दिया मैंने। तो जी ये ज़रा सा सीन है लिविंग रूम का, जो कि अभी सेट बेड का कोई आपको जो है नज़र नहीं आ रहा होगा। मिकाइल ने ब्लैंकेट भी रूम से लाकर यहाँ फेंक दिया है। तो अब मैं क्या बोलूँ मिकाइल को, आप लोग बताएं।
तो बस मैं इन्हीं सोफ़ों को कभी इधर कभी उधर घसीटती रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कैसे सेट करूँ। बस अब देखें इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड काम से थोड़ा फ्री हो जाएं अच्छे से, तो फिर हम इस लिविंग रूम के बारे में सोचेंगे और इसको अच्छे सेट करेंगे। बेडरूम जो है वो हमारा मेरे हस्बैंड जब एक दो दिन पहले जो थोड़ा फ्री थे तो उन्होंने उस दौरान बेडरूम का सारा सेटिंग वेटिंग करवाया था, जो कि अभी ऑलमोस्ट ठीक ही है, लेकिन अभी इतना कोई ख़ास सेट नहीं हुआ है। क्योंकि ये ट्रेडमिल जो है वो ट्रेडमिल को भी हमने सोचा है वो बाहर रखेंगे लिविंग रूम के अंदर, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पहले हमने सोचा था लिविंग रूम के अंदर रखेंगे, लेकिन अब ये अच्छा नहीं लग रहा। तो जी यहाँ पर हमने सोचा है कि एक टेबल लेंगे, कंप्यूटर टेबल, जो कि वहाँ पर हम रख देंगे और उसकी सेटिंग भी मैं आपको दिखाऊँगी। और ये हमारा शू रैक है जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया है शायद, ये इसके अंदर सारे शूज़ वगैरह रखे हुए हैं। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये बाहर रख दो, लेकिन मैंने कहा नहीं ये बाहर नहीं, मुझे अंदर ही रखना है। और उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कुछ प्लांट्स वगैरह लूँगी तो उसके ऊपर सेट वर्क करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इट्स नॉट कम्प्लीट येट। ठीक है, ये अभी जो फैला वगैरह होता है ना उस टाइप का लग रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट लिविंग रूम विच आई वॉन्ट टू शो यू। तो अभी जब इंशाल्लाह सब सेटिंग मीटिंग हो जाएगी, साथ साथ आपको अपडेट करते रहूँगी। तो जब इंशाल्लाह होगा, मेरे हस्बैंड अच्छे से फ्री हो जाए काम से, क्योंकि आजकल उनके काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो बस उनके पास टाइम नहीं है। और मिकाइल की जो है आप हरकतें देख सकते हैं, मैं उठाती हूँ ब्लैंकेट, वो वापस नीचे फेंक देता है। खैर चलें चलते हैं अपने किचन में दोबारा से, क्योंकि मुझे धोने हैं बर्तन, और बर्तन धोना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सीरियसली गाइस क्या बोलूँ मैं, बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता, पर धोना तो है, अब क्या कर सकते हैं। और यहाँ से भी कुछ आपको मैं दिखाती हूँ सही से, ये बाहर का व्यू पूरा नज़र आता है किचन से। ये एक्चुअली द मेन गेट है जिधर से हम लोग आना जाना करते हैं, जो कि उधर से मैं आपको दिखा चुकी थी, फिर से वही सारा है ये। तो ये मतलब अच्छा सा लगता है, प्यारा सा लगता है कि आप काम भी करो बाहर भी देखते रहो साथ साथ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है नज़र रखो मतलब गार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, आप ही चौकीदार बंद कर इधर जो है नज़र रख सकते हो। खैर जो भी है, आज आपको मैंने सारा अच्छे से जो है घर थोड़ा जो था सेट, जितना भी हमने फ़िलहाल रखा हुआ है सेट, उस वो मैंने आपको पूरा दिखाया है, जो कि मिकाइल की मेहरबानी से ऊपर नीचे होता रहता है। तो जी अच्छा, यहाँ पर हमने जो है विंडो एसी लगाई है, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट एसी का हमें कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इन्होंने ये एक स्पेस बनाया हुआ था विंडो एसी का, तो इधर के जो ऑनर हैं उन्होंने कहा आप यहाँ पर विंडो एसी लगा दे तो बेहतर रहेगा, तो हमने फिर विंडो एसी लगवा दिया। और वहाँ पर जो है वो हमारा स्प्लिट एसी लगा हुआ है, जो पिछले घर में हमने बाय किया था, तो यहीं पर हम लेकर आए हैं और हमने इसे यहाँ पर सेट कर दिया है। तो जी यहाँ पर मैंने सारे कपड़े तय करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये ड्राई हो चुके थे, और बस इनको जल्दी जल्दी समेट कर किचन मेरा साफ़ हो चुका है। आज असल में काम थोड़ा ज़्यादा था, तो बीच बीच में मैं शूट नहीं कर सकी थी, तो बस मैं ये सारे काम जल्दी से करती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। और जी यहाँ पर मैंने दोबारा से बेडरूम की सेटिंग चेंज कर दी थी, आप देख सकते हैं कि बेड अब मैंने जो है जो इस तरफ था उसको मैंने इस तरफ कर दिया है। तो मुझे अब जो है ना वो रूम काफ़ी खुला लग रहा है, मतलब ये पूरा स्पेस देखें बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे निकल कर आ गया। और ये यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल मैंने यहाँ कबर्ड के साथ वार्डरोब के साथ जो है वो ऐसे लगा दिया, फ़िलहाल लैपटॉप मेरा नीचे है। और यहाँ पर बेड जो है अब इस तरह जो है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अब यहाँ वॉल बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, जो कि बाद में मैं डेकोरेट करूँगी इंशाल्लाह। और जी यहाँ पर मिकाइल के कपड़े मैंने आज दिन भर इसके कपड़ों के साथ टाइम गुजारा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इसके कपड़े जमा हो गए थे जो डिक्लटर में थे, और बहुत से कपड़े मैंने और भी ऐड किए हैं, और काफ़ी ऐसे कपड़े भी हैं जो उसने एक दो मरतबा वेयर किए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा टाइम पहन चुका है। तो सारे डिक्लटर करके मैंने एक थैले में बड़े बैग में डाल दिया है, तो इंशाल्लाह देखूंगी किसको कहाँ देना है, तो विल गिव देयर। तो यहाँ से मैं ये कपड़े अब बेडरूम से निकाल कर बाहर रख देती हूँ,
क्योंकि बेडरूम जो है, मैं नहीं चाह रही कि बेडरूम के अंदर और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ सामान हो, जो कि मैं सारा क्लियर कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट। तो बस अभी ये कुछ एरिया हैं जिनको मैंने डेकोरेट करना है। ये वहाँ पे जो विंडो एसी की तार लटक रही है उसको भी अंदर करना है, और ये थोड़ा एरिया अच्छे से डेकोरेट करके देन आई विल शो यू द प्रॉपर बेडरूम। तो वहाँ पर फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी भी अगर मेरी सेटिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ टेल मी, ओके? एंड कैसे आपको अगर कोई आइडिया है, कुछ भी अगर आप मुझे सजेशन दे सकते हैं तो प्लीज़ लाजमी दीजिएगा। आई विल वेट फॉर दैट। जी, कपड़े तो मैं उठा चुकी हूँ और इसको हम कर देते हैं बंद। यहाँ पर ज़्यादातर लोग सारे ऐसे ही यूज़ करते हैं, रैक, क्लॉथ रैक यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं तो उनके लिए यही इजी रहता है। तो जी, यहाँ पर मेरा किचन भी क्लीन एंड क्लियर हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं काफ़ी देर से किचन के अंदर टाइम गुजार रही थी। सिंक सारा मेरा क्लियर हो गया, और मैंने ये यहाँ पे काउंटर वगैरह भी सारे अच्छे से साफ़ कर लिया था। और जब किचन क्लियर हो जाता है, क्लीन होता है ना, तो दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है सीरियसली। और आप लोगों के साथ भी आए हो वैसा ही होता होगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब किचन साफ़ सुथरा होता है और आप खाना बनाने के लिए या कुछ भी नए काम करने के लिए रेडी होते हो ना, तो काम करने में भी मज़ा आता है। सो गाइस, इन दिस वीडियो यहाँ पे बस इतना ही था। इस वीडियो में बस ये है कि इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम इज गोइंग टू बी समथिंग स्पेशल, बिकॉज इसमें मैं आपको दिखाऊंगी एक स्पेशल चीज़। स्पेशल चीज़ नहीं है, चीज़ें हैं बाय द वे, लेकिन बस ये है कि मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो मुझे इसमें पर्सनली आपका एक मशवरा चाहिए कि शुड आई हैव टू कंटिन्यू दैट और नॉट, बिकॉज मैं पर्सनली चाह रही हूँ कि उसको कंटिन्यू करूँ, लेकिन वो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को अभी तक आपसे शेयर नहीं की है। और बस सामान जब मैं पैकिंग शेकिंग कर रही थी उस दौरान मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा यार मुझे मेरी पुरानी चीज़ें दोबारा मिल गई हैं ना, वो जो होता है एक पुराना जज्बा निकल के दोबारा आ गया, और मैं चाह रही हूँ कि वो दोबारा से स्टार्ट करूँ, क्योंकि उस चीज़ से मैंने काफ़ी मेहनत की थी। तो ये कि बस जुड़े रहिएगा इन द नेक्स्ट वीडियो। लाजमी आप लोग वो वीडियो लाजमी देखिएगा, और उसमें मुझे आप लोग अपने एडवाइसेस कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि वो मेरा काम जो है अच्छा है, आई हैव टू कंटिन्यू दैट और नॉट, वट एवर जो भी है वो आपको मैं इंशाल्लाह कल या जो भी नेक्स्ट व्लॉग होगा मैं उसमें आपको दिखा दूँगी। तो जी, आज का व्लॉग बस इतना ही। स्टिल दैट, स्टे ट्यून, मिकू से बाय बाय, से बाय बाय, बाय बाय, से बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाय बाय।